हेलो फ्रेंड्स, मैं उसी का और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं कोपा यानी चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें, जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंचे। तो बात करते हैं कोपा। अगर आपका चैनल किड्स से रिलेटेड है और आप किड्स की जैसे कोई आप किड्स के कपड़े से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाते हैं, या किड्स के कोई खिलौने से रिलेटेड कोई कंटेंट बनाते हैं, या किड्स की कोई आप दिखा रहे हो कि आर्ट है या कोई गेम है किड्स का, या कोई गाने दिखा रहे हो या कोई कार्टून है, तो आपका चैनल किड्स है तो आपको अपनी ऑडियंस को सेट करना है, जो कि क्रिएटर स्टूडियो में सेटिंग में जाके चैनल में ऑडियंस सेटिंग में जाना है, जिसमें आपको यस या नो करना है। तो अगर आपका किड्स चैनल है तो आपको यस करना है, और अगर आपका किड्स चैनल नहीं है तो आपको नो करना है। तो ये सभी यूट्यूबर्स के लिए है, और जिनका चैनल किड्स है या जिनका चैनल किड्स नहीं है, उन सभी को अपने ऑडियंस को सेट करना है। और बता दूं, अगर आपका चैनल किड्स है तो आपके चैनल पर जो प्राइवेसी ऐड हैं वो बंद कर दिए जाएंगे, जिससे आपको यूट्यूब अर्निंग में काफ़ी कमी आने वाली है। तो आपको बता दूं, आप अगर आपने अभी तक अपने चैनल को सेट नहीं किया है तो प्लीज़ सेट कर लें, और अगर आप अपने चैनल को सेट नहीं करते हैं, ऑडियंस सेट नहीं करते हैं, तो YouTube अपनी तरफ से आपके चैनल को सेट कर देगा। और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपका चैनल आपके चैनल को YouTube ने नहीं सही से सेट नहीं किया है, तो आप अपने चैनल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपकी कुछ ही वीडियो में किड्स का कॉन्टेंट है, तो आप अपने जो किड्स का कॉन्टेंट है जिस वीडियो में, तो उस वीडियो को आप किड्स यस कर सकते हैं, और जिसमें आपका कंटेंट किड्स का नहीं है उसमें आप नो कर सकते हैं। और अगर आपका चैनल किड्स से रिलेटेड है और आपने उसको नो कर रखा है, तो अगर आपके यूट्यूब को पता चलता है तो आपके चैनल में काफ़ी प्रॉब्लम आने वाली है। तो अगर आपका चैनल किड्स है या किड्स नहीं है, तो आप अपनी ऑडियंस को सही सेट करें। तो चलिए मैं आपको सेटिंग दिखाता हूँ कि सेटिंग कहाँ पर है और आपको कैसे सेट करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने चैनल के लोगो पे क्लिक करना है, और लोगो पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब स्टूडियो में जाना है। यूट्यूब स्टूडियो में जाने के बाद आपको सेटिंग का ऑप्शन आता है, जो कि आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग पे आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद चैनल में जाना है। चैनल में जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग में क्लिक करना है। एडवांस सेटिंग के बाद आपको ये ऑडियंस का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आपको यस या नो का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो अगर आपका चैनल किड्स से रिलेटेड है तो आप उसको यस कर दें, और अगर आपके चैनल में किड्स से रिलेटेड कोई कंटेंट नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। और अगर आपके कुछ ही वीडियो में किड्स का कॉन्टेंट है और कुछ वीडियो में किड्स का कॉन्टेंट नहीं है, तो आपको वीडियो में जाना है। वीडियोज़ में जाने के बाद अगर आपके इस वीडियो में, जैसे कि मैं अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ, इस वीडियो में किड्स का कंटेंट अगर है तो आपको उसमें टिक करना है, और आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद आपको ऑडियंस सेलेक्ट करना है, और ऑडियंस में आपको यस या नो का ऑप्शन मिल जाता है। और इसी तरीके से अगर आपकी किसी और वीडियो में किड्स का कॉन्टेंट नहीं है या फिर है, तो आप यहाँ से यस या नो करके सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज ना हो, अपने चैनल की ऑडियंस को सही सेट करें। अगर आपको मेरी बताई हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको कोपा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।